गुजरात का सौराष्ट्र, जहां विराजमान है भगवान सोमनाथ और द्वारका में श्री कृष्ण। इन्हीं के पास जूनागढ़ में स्थित है गिरनार। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक और आध्यात्म का ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन है। दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर बना अंबाजी का मंदिर अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। आमतौर पर यहां आने वाले लोगों के गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर के दर्शन के लिए 9999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अब यहां गिरनार पर्वत पर एशिया का सबसे बड़ा रोप वे शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर 2020 को गिरनार रोपवे की शुरुआत कर चुके हैं। ये प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। गिरनार की तलहटी से अंबाजी मंदिर तक ये रोपवे बनाया गया है। इस रोपवे के शुरू होने के बाद महज 7 मिनट में इस सफर को तय किया जा सकेगा। साथ ही इस रोपवे में 24 ट्रॉली लगाई गई है। एक ट्रॉली में 8 लोगों के बैठने की क्षमता है। इससे एक फेरे में 192 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसमें 6 नंबर का टावर सबसे ऊंचा तकरीबन 67 मीटर का है, जो कि गिरनार की 1000वीं सीढ़ी के पास स्थित है। इस रोपवे की शुरुआत हो जाने के बाद अब ऐसी उम्मीद है कि जूनागढ़ का गिरनार रोपवे पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इस रोपवे की सबसे खास बात यह है कि ये रोपवे साल भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहेगा। 8 यात्रियों की क्षमता वाली प्रति ट्रॉली की गति प्रति सेकंड 5 मीटर रहेगी। 2 ट्रॉलीज के बीच का अंतर 36 सेकंड का रहेगा। 1 घंटे में 800 यात्री जा सकेंगे। लोअर स्टेशन से अपर स्टेशन तक पहुंचने में 7 मिनट 40 सेकंड लगेंगे। देश के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट में आधुनिक मोनोकेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। अंबाजी मंदिर रोड पर अब तक अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति दर्ज की गई है। हवा की गति का सामना करने के लिए रोपवे का डिजाइन एरोडायनामिक बनाई गई है। ट्रॉली स्टेशन से निकलने के बाद 216 मीटर आगे जाएगी। इसके बाद दूसरी ट्रॉली रवाना होगी। यात्रा धाम सहित सासण गिर, शेर दर्शन और भगवान सोमनाथ के दर्शन का एक संपूर्ण टूरिज्म सर्किट विकसित होने से गिरनार और जूनागढ़ घूमने के लिए देश विदेश से ज्यादा पर्यटक आएंगे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से जूनागढ़ में स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और साथ ही अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। भारत में अब तक 4 या 6 लोग ट्रॉली में बैठ सकते थे, लेकिन ये पहली ट्रॉली होगी जिसमें 8 लोग बैठ सकेंगे। इस परियोजना का मूल खर्च 9 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद और आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण इस प्रोजेक्ट का खर्च 130 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस योजना का संचालन उषा ब्रीको कंपनी करेगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।